हेलो, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है द शैडो लाइन। इसके जो ऑथर है वो है अमिताव घोष, जो कि इंडियन है, इंडियन राइटर है। और द शैडो लाइन का जो जेनर है वो है फिक्शन, और 1988 में ये पब्लिश हुई थी। ये जो नोवेल है द शैडो लाइन, वो जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वार, पार्टीशन ऑफ इंडिया, और जो कम्युनल रियोट्स हुए थे 1963 और 64 में ढाका और कलकत्ता में, उन पे बेस है द शैडो लाइन। अब जानते हैं थोड़ा सा अमिताव घोष के बारे में। तो ये जो अमिताव घोष है, उनका जो जन्म है वो 11 जुलाई 1956 में हुआ था। ये एक इंडियन राइटर है और इंग्लिश में फिक्शन के काम में ये बेस्ट जाने जाते हैं। और एग्ज़ाम में जो राइटर होता है, उसके जो फेमस वर्क होता है उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो उनका जो नोटेबल वर्क है वो ज़्यादातर ये है, द ग्लास पैलेस, रिवर ऑफ स्मोक, द हंग्री टाइड। ये जो तीन वर्क है, इनके फेमस वर्क है। तो जो शैडो लाइन है, उसमें जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। तो जानते हैं इनके कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो द शैडो लाइन में तीन फैमिली होती है, एक तो थम्मा की फैमिली, और एक माया देवी की फैमिली, और एक मिसिज प्राइस की फैमिली। और जो ये जो इसका मेन हीरो है फिक्शन का, द शैडो लाइन जो फिक्शन है, इसका जो मेन हीरो है वो, उसे एड्रेस नरेटर से किया गया है। इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया, इसे नरेटर ही बोला गया है इस फिक्शन में। और जो ये थम्मा है वो नरेटर की दादी माँ है, और नरेटर की फैमिली में इसकी दादी माँ थम्मा, और नरेटर के पिताजी, और नरेटर की माताजी, और नरेटर, ये चार लोग हैं। जो थम्मा के हस्बैंड है, यानी जो नरेटर के दादाजी है, उनकी अर्ली डेथ हो जाती है। तो जो थम्मा होती है वो अकेले ही जो नरेटर के पिताजी हैं उनको बड़ा करती है। सेकेंड जो फैमिली है वो है माया देवी की। इनके जो हस्बैंड है वो है साहेब, और माया देवी और साहेब के तीन लड़के हैं। बड़ा लड़का है जतीन, दूसरा लड़का है त्रिदेव, और जो तीसरा लड़का है उसका नाम है रोबी। और जतीन की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है इला। और अब तीसरी फैमिली की बात करते हैं। तीसरी फैमिली है मिसिज प्राइस की, जो कि लंदन में रहते हैं, और इनके दो बच्चे हैं। एक तो इनकी डॉटर है, इसका नाम है मे, और एक इनका लड़का है जिसका नाम है निक। जो जतिन की लड़की होती है इला, वो प्यार करती है निक से, और उसी से इसकी शादी भी होती है। और जो हमारे फिक्शन का हीरो है नरेटर, वो प्यार करता है इला से, लेकिन इसका प्यार एक तरफा होता है, तो ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ता। और जो मे है वो प्यार करती है त्रिदेव से, जो कि माया देवी का सेकंड लड़का है, और नरेटर का अंकल है त्रिदेव। और इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक दूसरे के क्लोज है नरेटर और त्रिदेव। और जो त्रिदेव है वो मे से प्यार करता है, और मे भी त्रिदेव से प्यार करती है। और जो थम्मा है, जो नरेटर की दादी माँ है, और माया देवी है, वो दोनों सिस्टर है। थम्मा और माया देवी रिलेशन में सिस्टर हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो मेन कैरेक्टर है उनको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो फर्स्ट में बात करते हैं त्रिदेव की, जो कि प्रोटागोनिस्ट है इस फिक्शन का, और मिडिल क्लास बॉय है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होता है, और रिलेशन में नरेटर का अंकल है, और मे से प्यार करता है। सेकंड है थम्मा, जो कि नरेटर की ग्रैंड ग्रैंड मदर है,
और एक गर्ल्स स्कूल, कलकत्ता में गर्ल्स स्कूल में ये हेड है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन उनको पसंद है, हार्ड वर्किंग है और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है और पेशियंस लेडी है। और इसने अकेली नहीं ही अपने पति की डेथ के बाद में अपने बच्चे को बड़ा किया था सी, और वो अपन उसकी एक इच्छा है, वो अपने अंकल जेठा मौसाई को इंडिया लाना चाहती है, ये उनकी इच्छा है थम्मा की, जो कि बाद में जानेंगे कि जेठा मौसाई कहाँ है और वो सब। और तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है इल्ला का, तो इल्ला नैरेटर की रिलेशन में तो कजिन है, क्योंकि ये जतिन की लड़की है, माया देवी के लड़के जतिन की लड़की है इल्ला, तो वैसे तो नैरेटर की कजिन है रिलेशन में, जो कि स्टोकवेल लंदन में रहती है, और जो नैरेटर है वो इससे प्यार करता है, और इसकी शादी निक से होती है। उसके बाद में बात करते हैं मेक के बारे में, तो ये प्राइस फैमिली की डॉटर है, जो कि त्रिदेव से प्यार करती है और उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। अब बात करते हैं निक के बारे में, निक है वो है मे का रिलेशन में भाई और प्राइस फैमिली का सन है, और ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और इसका जो ड्रीम है वो ये है कि फ्यूचर में वो इंडस्ट्री में काम करें, और इसके काफ़ी अफेयर होते हैं लड़कियों के साथ में। अब है माया देवी, तो ये नैरेटर की ग्रैंड मदर की यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है, और त्रिदेव जतिन इनकी माता जी है। अब जानते हैं द शेडो लाइन की शॉर्ट समरी, तो फ्रेंड्स इसकी जो हिस्टोरी शुरू होती है वो होती है ढाका से, ढाका में, और थम्मा से जो कि नैरेटर की दादी माँ है, इनका जन्म होता है ढाका में, जो कि अभी बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे इनका जन्म होता है 1902 में, लेकिन 1902 में जो ये ढाका है वो इंडिया में ही होता है, लेकिन बंटवारे के बाद में ये बांग्लादेश के साथ होता है, ढाका बांग्लादेश के साथ है। और जब ये छोटी होती है तो थम्मा के जो पिताजी होते हैं और थम्मा के जो अंकल जेठा मौसाई होते हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने की वजह से दोनों एक ही घर में दीवार बना के रहने लग जाते हैं, और आपस में दोनों फैमिली एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देती है, तो एक दूसरे से ये दोनों फैमिली है वो अलग हो जाती है और बात करना बंद कर देते हैं। अब थम्मा और माया देवी है वो थोड़ी एज में बड़ी हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है, तो जो माया देवी है उसकी शादी होती है साहेब के साथ में, जिनके पिताजी का नाम है जस्टिस दत्ता चौधरी, और ये जो साहेब है वो जस्टिस दत्ता चौधरी के ही बेटे होते हैं। तो उसकी शादी के बाद में थम्मा और माया देवी का जेठा मुसाई से जो भी कांटेक्ट है वो एकदम बंद हो जाता है, कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि शादी के बाद में ये कलकत्ता आ जाते हैं। उसके बाद में जो थम्मा का हस्बैंड 1936 में ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा थम्मा के हस्बैंड के बारे में इस फिक्शन में कुछ बताया नहीं गया है, जो थम्मा के हस्बैंड 1936 में ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में थम्मा है वो एक टीचर बन जाती है गर्ल्स स्कूल में, और वही अपनी फैमिली का गुजारा भी करती है, और वो मना कर देती है किसी भी फैमिली के किसी भी मेंबर से हेल्प लेने में, वो अकेले ही अपने बच्चे को बड़ा करती है। अब जब जो थम्मा है उसे वापस अपने बर्थ प्लेस जो ढाका होता है उसकी याद आती है, क्योंकि
जब थम्मा है वो जब इन सब चीज़ों को याद करती है तब 1974 में वो याद कर रही होती है। उस टाइम बंटवारा हो चुका होता है और ढाका है वो बांग्लादेश में आता है अब, तो वो वापस कभी ढाका नहीं जा पाते, इसलिए उसे अपने जो बर्थ प्लेस ढाका की याद आती रहती है। लेकिन उसे पता है कि अब वो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री बन चुका है, और वो जो ये थम्मा है वो हिंदू बंगाली फैमिली है, तो उन्हें वहाँ जाना अब सेफ नहीं लगता है। अब जो साहेब होता है उसका उसे कुछ हेल्थ इश्यू हो जाता है 1939 में, और उसका जो ऑपरेशन होता है वो इंडिया में नहीं हो रहा होता है। तो जो साहेब की बीबी है माया देवी, उसके जो पिताजी थे उनका उनका एक फ्रेंड होता है लंदन में, और उसकी लड़की होती है मिसिज प्राइस। तो मिसिज प्राइस है वो इनवाइट करती है साहेब और उसकी फैमिली को लंदन आने के लिए कि आप वहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो ये जो साहेब और माया देवी का जो परिवार है वो लंदन चला जाता है, और लंदन में क्या होता है कि लंदन त्रिदेव भी जाता है और वो वहाँ पे अपना इलाज कराते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन वहाँ पे भी वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, तो वापस वो इंडिया उन्हें आना पड़ता है। और इंडिया आने के बाद में जो ये त्रिदेव है जो कि नरेटर का अंकल है और माया देवी का लड़का है, वो वहाँ की लंदन की हिस्टोरी है वो नरेटर को सुनाता है, और नरेटर है वो काफ़ी अपना जो टाइम है वो त्रिदेव के साथ ही स्पेंड करता है, और त्रिदेव के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, और उसे वहाँ लंदन के बारे में जानना और वहाँ की स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। त्रिदेव बचपन में लंदन रह चुका है और वहाँ उसने बहुत सारे दोस्त बनाए होते हैं, तो वो उन सब की बातें उन्हें बताता है, नरेटर को बताता है, और नरेटर को काफ़ी अच्छा भी लगता है। और अब इला है वो, इला का जो परिवार है वो काफ़ी वेल्थी परिवार है, और उसके जो पापा है उनका ट्रेवलिंग का काम है, तो उस वजह से उनका वर्ल्ड में इधर उधर घूमना ट्रेवलिंग करना चालू रहता है। तो वो बचपन में काफ़ी जगह अपने फैमिली के साथ में घूमी होती है, और उधर जो नरेटर है वो कभी कभी कलकत्ता के बाहर भी नहीं गया होता क्योंकि उसकी दादी है वो वहीं पे टीचिंग करती है, उनका परिवार वहीं रहता है। तो जो नरेटर होता है वो इल्ला को पसंद तो करता है लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है इल्ला से बात करने में, तो वो इल्ला से खुल के कभी भी बात नहीं कर पाता। और जो ये इल्ला है उसकी फैमिली भी जो लंदन में जो प्राइस फैमिली है उनके साथ कुछ दिनों के लिए रह चुकी होती है, तो वहाँ पे जो प्राइस फैमिली का लड़का है निक और इल्ला उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है लंदन में उनके साथ में रहने की वजह से। और जब वो 8 ईयर की होती है तब वो कलकत्ता आते हैं और एक फेस्टिवल के दौरान, और वहाँ पे नरेटर से इल्ला की मुलाकात होती है, और जो नरेटर है वो अपनी दादी को कन्विंस करता है कि उनकी जो फैमिली है इल्ला की जो फैमिली है उनको उन्हीं के घर रखा जाए राय बाजार में। तो जो थम्मा है वो एग्री हो जाती है, मान जाती है उसकी बात को, एग्री कर लेती है। फिर क्या होता है कि इल्ला है वो नरेटर को घर में जो स्टोर रूम है वहाँ पे बुलाती है, और इल्ला है वो डिसाइड करती है कि हम एक गेम खेलेंगे। तो वही गेम जो उसने निक के साथ में लंदन में खेला था वही गेम वो नरेटर के साथ भी खेलती है, और वो बताती है नरेटर को निक के बारे में। तो निक के बारे में जब नरेटर को वो बताती है तो नरेटर को काफ़ी ज़्यादा जेलेसी होती है क्योंकि जो नरेटर होता है वो इल्ला से प्यार करता है और निक के बारे में सुनना उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि निक को वो अपना कंपटीशन मानता है, क्योंकि वो जब इल्ला से प्यार करता है और इल्ला जब निक की ज़्यादा तारीफ करती है तो निक को वो अपना कंपटीशन समझता है, और ये उसे पता चल जाता है कि इल्ला है वो निक को पसंद करती है।